Hello everyone, welcome to Piggy's Rosoi. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। आज मैं बनाऊंगी ब्लू टी यानी ब्लू चाय। क्या आपने कभी ब्लू टी पिया है? अगर नहीं पिया है तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस चाय को बनाने के लिए आपको चाहिए अपराजिता के नीले फूल, पानी और थोड़ा सा नींबू का रस। इस चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी को उबाल लेंगे। मैंने यहाँ एक कप का पानी लिया है। पानी को मैं यहाँ डाल देती हूँ और अच्छी तरह से उसको गर्म कर लेंगे। यह एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है और इम्यूनिटी को बढ़ाकर बीमारियों से आपकी रक्षा करती है। कुछ अपराजिता के नीले फूल लिया है। मैंने यहाँ 5 अपराजिता का नीले फूल लिया है। पानी गर्म हो चुका है। अब इस अपराजिता का फूल को मैं यहाँ पानी में डाल देती हूँ और इसको हम उबालने देंगे। इसके नियमित इस्तेमाल से कई तरह की बीमारियां भी नहीं होती है। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और फैट बर्न करने में मदद करती है, जिससे वेट लूज भी हो सकता है। आजकल कम उम्र में ही बच्चे लोगों को चश्मा लग जाता है, ऐसे में उनकी डाइट में यह चाय शामिल करें, क्योंकि यह रोशनी बढ़ाने में मदद करती है। साथ ही इससे आंखों की थकान, सूजन और रूटीन पावर से भी छुटकारा मिल जाता है। अब यह अच्छे से उबल गया है, इसको एक कप में छान लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा नीला रंग निखार के आया है। ये कई बीमारियों के लिए भी फायदेमंद है, जैसे कि डायबिटीज को कंट्रोल करना है और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा है। अब हमारा ब्लू टी बन के तैयार है। मुझे इसमें हल्का सा नींबू का रस अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ नींबू का रस डाल देती हूँ। धीरे धीरे उसका कलर चेंजेस होने लग रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। आप इसको जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरी चैनल पे नहीं है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लग रही है अपने के साथ शेयर करें।